तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जेसीईसीबी अभी उसकी कोई नोटिस नहीं आई है और अभी एग्जाम का कोई समय भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, इस समय तक सभी कॉलेज आपको मिल जाने थे, चाहे वो नीट के हो या फिर जेई मेंस या फिर जेसीईसीबी। फ्रेंड, जितने भी एग्जाम हैं सभी में अपने अपने एग्जाम के द्वारा उनको अपना कॉलेज मिल जाता है, बट यहाँ पर सिचुएशन इस तरह हुआ है कि आपको कोई भी कॉलेज अभी नहीं मिल पाया है और आपसे यही कहा जा रहा है कि आप सब्र कीजिए, आपका एग्जाम होगा या फिर आपका मेरिट लिस्ट पे एग्जाम होगा। ना तो मेरिट लिस्ट आई है फ्रेंड्स, और ना ही आपका एग्जाम हो रहा है, और ना एग्जाम की नोटिस आई है। फ्रेंड्स देखिए, मैं जैसा कि आपसे कहता हूं कि आप सभी को पता है कि हाँ, एग्जाम को जो डेट है वो कब तक होनी है और फिर उसका जो कॉलेज होता है वो कब आपको मिलनी है, बट सिचुएशन अभी है कि कॉलेज आपको मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे, इसके बारे में मत सोचो। मैंने इसके जो एग्रीकल्चर के टीचर है फ्रेंड्स, उनसे मैंने बात किया था, आपको कहा था कि मैंने उनसे बात किया था, उन्होंने कहा था कि हाँ, एग्जाम होने की संभावना है, एग्जाम होगी, कोई भी नोटिस अभी तक लीक नहीं हुई है वहां से। तो फ्रेंड्स, अब मेरे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मुझे कि सर, एग्जाम होने के चांसेस अब कम है, क्योंकि आपको ही पता है छठ पूजा गुजर चुका है, अब एग्जाम होने के चांसेस कम है, क्योंकि ऐसे टाइम में बच्चे तो अपने कॉलेज चल जाते हैं, बट अभी कॉलेज में तो बिल्कुल भी उनको सीट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, मेरिट लिस्ट से एग्जाम होती है तो बच्चे अगर अभी कॉलेज जाते हैं तो आप सोचिए वो कितना पीछे हो जाएंगे। तो ऐसे में फ्रेंड्स, माना यही जा रहा है कि इस साल जेसीईसीबी एग्जाम नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिचुएशन जो भी हो सकती है एग्जाम हो जाए, मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम नहीं होगी फ्रेंड्स, क्योंकि अभी कुछ भी बात सामने नहीं आई है, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि एग्जाम नहीं होगी, बट यही लगता है कि एग्जाम जेसीईसीबी का नहीं होगा। आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए नीट पर, और अगर आपको जेसीईसीबी में ही एग्जाम लेना है, एडमिशन लेना है, तो आप अगले साल के लिए प्रिपरेशन करो ना यार, इस साल का टाइम वेस्ट करके आप क्या करोगे। फॉर्म फिर निकलेगी, फॉर्म फिल करो आप, देन एग्जाम दो और कॉलेज आप ज्वाइन कर लो। ठीक है, अभी का सिचुएशन बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इससे अच्छा बेटर है कि आप अपने फ्यूचर को सही करो, नीट दो फ्रेंड्स और नीट क्वालिफाई कर लो। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज, हमारे इस यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स एक नए सर जुड़े हैं, शेखर सक्सेना। ठीक है, वो आप लोग को फिजिक्स की क्लास कराएंगे फ्रेंड्स, उनका भी यूट्यूब चैनल है, मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उनके भी यूट्यूब चैनल को देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर है फ्रेंड्स, और आपको बहुत मजा आएगा उनसे, बहुत ही अच्छे टीचर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए उनको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।